नजरिया के फेरा। हेलो एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नई एडिट की वीडियो लेकर आए हैं, तो आप भी इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को एडिट किया मैंने काइन मास्टर के थ्रू और 2 मिनट में, वो भी आपने ये प्रीव्यू में वीडियो देख ही लिया है। तो यह इस वीडियो को एडिट करना चालू करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ 9:16 का रेसोलेटर लेना है, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पर इमेज स्टाइल लेना है, इधर ब्लैक कलर स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है, इसे जितना पुराना उतना ही कर लेना आपने, ठीक। या फिर लेयर पर ना मीडियम में लेना है, फिर एक आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। यही फोटो है, तो आप इसको क्या करना है, पहले यहाँ पर क्रॉप में लेना है और इसे यहाँ तक ऐसे ही क्रॉप कर देना, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसे फुल बड़ा कर लें और जिस फोटो को लगाना है उस फोटो को पहले सेलेक्ट कर लेना, यहाँ ले आकर ये फोटो में, फिर इसको क्या करना है आपने ऐसे करके यहाँ प्ले करना है और यहाँ से 3 डॉट पर लिखकर सेंड टू बैक कर देना है, ठीक। आपको क्या करना है, इधर की का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर देखना है, इस फोटो को थोड़ा सा ऐसे हिलाना है, आपका हो जाएगा काम। इधर थोड़ा सा और आके इधर हिला दें, थोड़ा सा इधर और आके, फिर दोबारा इधर ही घुमा दें, बस आपका काम हो गया। अब हर फोटो में ऐसा ही कर लेना, मैं कर लेता हूँ। ये देखिए आधा एडिट हो गया, इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसी फोटो को आपने दोबारा यहाँ क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है और इसे क्या करना है आपने यहाँ या फिर से आप क्रॉप के ऑप्शन में आ जाना है, इसे इनेबल करते ये वाला ऑप्शन आके सेकंड सेलेक्ट कर ले, ठीक। थोड़ा सा इसे इस तरह के बड़ा कर ले फोटो को, ये हो गया फोटो। अब वो आपको क्या करना है, इधर ये जो क्लिक की वाला है इसे कट कर देना है, यहाँ पर ये भी जहाँ पर किया आपने वहाँ पर ये से कट कर देना है, ठीक। तो अब मैं ये भी कर लेता हूँ, या फिर आप चाहे तो फिर से आप गैलरी में जाकर फिर से ये फोटो सेलेक्ट कर लेना आपने दोबारा, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर लेना। ये देखिए मैंने पूरा फोटो भी ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब वो क्या करना है, ये जो आपने दूसरे वाला फोटो सेलेक्ट किया उसमें आपने एक एनिमेशन लगाना है, अपने यहाँ पॉप का एनिमेशन लगाना है, ठीक। अब आपने पूरे में लगा देना है। अब आपको एक म्यूज़िक लेना है, तो आपने म्यूज़िक ले या ऑडियो में क्लिक करें, अगर आपका म्यूज़िक है तो म्यूज़िक यहीं से मिलेगा आपको, एल्बम में आ जाए, यहाँ मेरा है, ठीक। मैंने यहाँ ऐड कर लिया है, अब वो क्या करना है यहाँ बैक आ जाना है। अब अगर आपको लिरिक्स लिखना है तो यहाँ भी लिरिक्स लिख सकते हैं, पर अगर आपको इतना ही रहने देना है तो इतना ही छोड़ दें आप और इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।